आज लाखों लोग इम्यून सिस्टम का सामना कर रहे हैं। कोरोना वायरस से अब बचाव मुमकिन है, खास परीक्षण कर आई वोट हर्बल्स लेकर आए हैं। आयुष स्पॉट जो है भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक फॉर्मूला, जिसे उत्तम श्रेणी की जड़ी बूटियों के मिश्रण से तैयार किया गया है। इसे पीने से आपके शरीर में एक कवच तैयार होगा जो कोरोना वायरस जैसे कई इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को अधिक बढ़ा देगा। 7 साल से अधिक उम्र के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। आयुष स्क्वाड को अपने स्टोर से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अन्य कई प्रोडक्ट्स की जानकारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ले सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9643095026। आज ही पीना शुरू करें आई फोर हर्बल्स का आयुष स्क्वाड इम्यूनिटी बूस्टर और करिए अपने और अपने परिवार को अंदर से मजबूत। आयुष स्क्वाड अमेजोन पर भी उपलब्ध है। आदाब दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम लेकर आया हूं आपके सामने ताज़ा अपडेट। इसराइल और फिलिस्तीन की जो जंग चल रही थी, उसके बाद जो हालात लगातार बन रहे हैं, बदल रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब आपके सामने रखूंगा। तमाम मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके सामने कोई भी ऐसा पहलू ना बचे जो आपके सामने ना आ पाए। कुछ बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि अब मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अब इस जंग के बाद, जिसमें फिलिस्तीन को जीत मिली है, उसके बाद उनका जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और अब उन्होंने सीधे सीधे खुले तौर पर चेतावनी देना शुरू कर दिया है इसराइल को। उनका साफ कहना है कि अब इसराइल के दिन गए, उसके दिन लद गए, अब हम पूरी दुनिया के सामने सबूतों के साथ इसराइल की पोल खोलेंगे। इसराइल ने जो जुल्म किया है फिलिस्तीन के लोगों पर, गाज़ा में जो नुकसान पहुंचाया है, उसका जो सपना है ग्रेटर इसराइल बनाने का, उसको ख़त्म करेंगे और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमास के कर्ता धर्ता इस्माइल हानिया ने साफ कहा कि ये युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं। ये मत समझिएगा कि हम शांति से बैठ जाएंगे, हम तब तक लड़ेंगे जब तक अपनी ज़मीन वापस नहीं ले लेंगे। आपको बता दूं कि 11 दिन चले इस युद्ध में तकरीबन 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, 65 से ज़्यादा मासूम बच्चे मरे हैं, 45 से ज़्यादा महिलाएं मरी हैं और तकरीबन 1 लाख के आसपास लोगों ने अपना घर छोड़ा था, जो अब धीरे धीरे अपने घर वापस लौट रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन सब के होने के बाद तमाम इस्लामिक राष्ट्रों के कर्ता धर्ताओं ने ऐलान किया है कि वो गाज़ा को निर्माण कराने के लिए दोबारा से पहल करेंगे, हर वो कदम उठाएंगे जिससे गाज़ा का दोबारा से निर्माण हो सके, जो नुकसान इसराइल ने पहुंचाया है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें ईरान से लेकर तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, सऊदी अरब और आप इजिप्ट भी ना भूलें। इजिप्ट पे भले ही कितने भी आरोप हैं, लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक तरह से जो मध्यस्थता का काम किया है वो इजिप्ट ने किया है। शुरू से लेकर आखिर तक वो लगातार इस कोशिश में लगा रहा कि ये जंग किसी तरह से रुक जाए, क्योंकि उसका एक बॉर्डर, गाज़ा का एक बॉर्डर जो है वो इजिप्ट से लगता है, जिससे वो बाहरी दुनिया से लगा हुआ है और उसके हमास फिलिस्तीन से अच्छे रिश्ते हैं, उसके इसराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, नेतन्याहू के साथ उसके अच्छे रिलेशन है और उसने कोशिश की कि ये जंग रुक जाए। खैर, सबकी कोशिशों के बाद ये जंग रुकी, लेकिन इस जंग के असली योद्धा सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीनी हैं, जिन्होंने ज़मीन पर खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर इसराइल का सामना किया, उन्हें उनके घर में घुसकर जवाब दिया। हालांकि जंग के कुछ घंटे बाद ही अलक्सा मस्जिद पर दोबारा से बवाल कराने की कोशिश की गई, लेकिन शुक्र है खुदा का कि कुछ हो नहीं पाया। इस पर मैं अर्दोगान का आपको एक कॉल बताता हूँ जो उन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अब हम दुनिया को ये बताएंगे कि इसराइल फिलिस्तीनियों का किस तरह से हक मार रहा है, उसने गलत तरीके से उसकी ज़मीन पर किस तरह से कब्जा जमाया हुआ है, ये अब हम सब दुनिया को बताएंगे और अब हम रुकेंगे नहीं, हम दुनिया को वो मैप, वो नक्शा दिखाएंगे और ये साबित करेंगे कि इसराइल का जो कब्ज़ा है वो अवैध है, उसने गलत तरीके से अपनी ताकत के दम पर, जो उसके पास आधुनिक हथियार है जिसका वो दावा करता है, हालांकि हवा निकल गई है, हमास ने हवा निकाल दी है पूरी तरह से, फिर भी अर्दोगन का ये कहना है कि हम दुनिया को बताएंगे कि किस दम पे वो इस जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ बिन सलमान यानी सऊदी अरब के प्रिंस, उनकी तरफ से एक बयान आया, उनका ये कहना है कि अब हम इस इलाके में पूरी तरह से शांति बने रहे, इसकी लगातार कोशिश करते रहेंगे, फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ, गाज़ा में जितने लोग मरे, उसके हम दिल से उनके साथ हैं, इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और आगे से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो। सऊदी अरब ने भी वैसे इसमें ठीक ठाक अपना रोल अदा किया है, संयुक्त राष्ट्र में बार बार गया है, अपील किया और सबसे ज़्यादा बरसने का काम भी एक तरह से किया है। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, यूएई,
मिस्र ये तमाम देश थे। उधर पाकिस्तान के जो भी था वो भी बयानबाजी लगातार चल रही थी। दूसरी तरफ कतर ने भी एक मीटिंग बुलाई और उसने भी इन हमलों की निंदा की और बैठकर एक बड़ी सी मीटिंग सारे मुल्क देश कर रहे हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, ईरान हो। सबसे पहले ईरान ने शुरुआत की थी, वो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूँ। इनका भी यही कहना कि अब हम जो कुछ हो सकता है हमसे वो सब करेंगे और एक सुर में सबने यही बात दोहराई कि इसराइल को अब छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखना यह है कि इसराइल जिस वक्त बिल्कुल बैकफुट पर खड़ा हो गया, उसके साथ कहीं ना कहीं बस अमेरिका पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है। यूरोप के देशों ने भी एक तरह से अपने हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिए हैं। शुरू में कह रहे थे हम नेतन्याहू के साथ हैं, लेकिन नेतन्याहू को खुद इसराइल का ठीक से साथ नहीं मिल रहा, उसकी जनता उस पर भड़क रही है, जो भी मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया था। और आपको पता ही है जो मैंने पिछली खबर में आपको बताया था कि ईरान के सबसे बड़े नेता एक तरह से कहा जाने वाले आयतुल्ला खामेनेई, उन्होंने कहा कि इस दुनिया के सर्वोच्च न्यायालय में इसराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, दुनिया को पता चले कि इन्होंने कितने कर्म कांड किए हैं, कितने मासूमों के खून से इनके हाथ रंगे हैं। तब दुनिया को पता चलेगा कि अपने आप को एक तरह से लोकतंत्र साबित करने वाले कि मैं लोकतंत्र के हिसाब से जीता हूँ, असल में एक डिक्टेटर है जो सिर्फ मासूमों पर जुल्म करते हैं। ये सारी चीज़ें अब मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ से धीरे धीरे सामने आ रही हैं। तो अब देखना है कि आने वाले वक्त में इसमें क्या नया एपिसोड आएगा। फिलहाल सारे मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो चुके हैं और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि जंग में शामिल नहीं थे लेकिन सपोर्ट पूरी तरह से कर रहे थे। तो ये एक नया अपडेट था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक आप हिंदुओं देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।